हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 14 अगस्त 2022, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष तृतीया। और आज 14 अगस्त को कजरी तीज का त्योहार है। इस दिन माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करके व्रत खोलती हैं। माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, आपके परिवार में वैभव धन धान्य की पूर्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इस तीज त्योहारों का पूरा महीना है ये भाद्रपद का महीना। भादो के 30 दिनों में 19 दिन अलग अलग तरह के उत्सव रहेंगे, जन्माष्टमी आ रही है और भी कई तरह के त्योहार आएंगे। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को ये सीख दी थी कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी छोटा ना समझे, इस गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों और मुख्य समाचार के वीडियो में देश भर के हलचल पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, भारत ने पड़ोसी देशों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, खाद्य संकट से जूझ रहे देशों को भेजा 3.5 लाख टन गेहूं। खबर आ रही कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कितना लगेगा जीएसटी, इस पर 1-2 दिन में रिपोर्ट दे सकता है मंत्री समूह। HDFC और HDFC बैंक के विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ी, फेयर ट्रेड रेगुलेटर CCI ने दी मंजूरी। श्रीलंका में 50 नए पेट्रोल पंप खोलेगी इंडियन ऑयल कंपनी, पड़ोसी देश में ईंधन संकट के बीच मिली मंजूरी। भारतीय छात्र जल्द ही चीन में पढ़ाई करने जा सकेंगे, चीनी राजदूत सन वेडोंग बोले, हम भारतीय छात्रों का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हुई। इसी सप्ताह प्रियंका गांधी भी कोविड पॉजिटिव आई थी और उनके बाद अब सोनिया गांधी भी पॉजिटिव आई है। रूल्स के अकॉर्डिंग अब वो आइसोलेट में है। वही दोस्तों, राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब राज्य में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना वापस जरूरी होगा। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है कि पंजाब में भी पब्लिक प्लेस यानी कि जैसे रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर, मॉल वगैरह पर आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। अच्छा, 15 अगस्त की तैयारियां भी हमारे देश में जोरों शोरों से चल रही है और इस बार हमारा देश आजादी के 75वें साल के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा। इसी बीच देखिए तिरंगे की तैयारियां कुछ। पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। गृह मंत्री ने भी लहराया राष्ट्रीय ध्वज। आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र ध्वज फहराया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर RSS ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की DP लगा दी है। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में 7,500 स्टूडेंट्स ने मिलकर सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग बनाया और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है ये नाम। हर घर तिरंगा अभियान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन भी शामिल हो चुकी है। उन्होंने बच्चों संग राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी की मां ने छोटे बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। वहीं ITBP ने दुर्गम पहाड़ों पर भी राष्ट्र ध्वज फहराया, ये बर्फीले पहाड़ों पर राष्ट्र ध्वज की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने बच्चों को तिरंगा बांटते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अच्छा, वही राजस्थान में 3.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा लगाया गया, 15,000 लोगों ने इस तिरंगे को थामा और एक साथ ये इतना लंबा तिरंगा था, दैनिक भास्कर ने मिलकर इतिहास रच दिया, एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमारे देश में 7,000 मेहमान शामिल होंगे देश विदेशों से और इसीलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। सिर्फ भारत इंडिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दोस्तों विदेशों में भी 75वीं स्वतंत्रता दिवस की धूम आपको देखने को मिलेगी। तिरंगे में रंगेगा न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और टाइम्स स्क्वायर भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। तो कुछ यूं माहौल चल रहा देश में आजादी के पर्व को मनाने का। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं खबरों के सिलसिले को। देखिए, राजधानी दिल्ली में LG ने 15 स्मार्ट MCD स्कूलों का किया उद्घाटन, 187 सफाई कर्मचारियों को भी सौंपा नियमितीकरण पत्र। देश के पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पदक विजेताओं से की मुलाकात, खेल मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहे और पीएम मोदी बोले कि एथलीटों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया। देश के नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में जब भारतीय छात्र फंसे थे तो उस दौरान भारत के हिंदुस्तान की ताकत दुनिया ने देखी थी कि हिंदुस्तान का तिरंगा कितना पावरफुल है। दूसरे देशों की भी रक्षा कवच बना था हिंदुस्तान का तिरंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग और कुश्ती की हर जगह बेटियों का योगदान भी अद्भुत है, ये कहना है देश के पीएम का। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस जियो का सस्ता 5G स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होगा। कंपनी ने बताया कि वो इस पर काम कर रही है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12,000 रुपए तक रहने की उम्मीद है, यानी कि लगभग इसकी 12,000 कीमत रहेगी। और क्योंकि हमारे देश में 5G इंटरनेट लाने पर भी काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है तो इसी बीच जियो भी अब अपना अलग से 5G फोन लॉन्च करने की तैयारी में है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार हुआ, वर्कर्स ने फहराया यहाँ पर भी तिरंगा, आतिशबाजी भी की गई। इंजीनियरिंग का अजूबा यह ब्रिज, आप देख सकते हैं इसकी कुछ तस्वीरें भी। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। ये जम्मू कश्मीर में बन रहा हमारे भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा ये। अच्छा, वही देखिए, राजू श्रीवास्तव की तीसरी बार हुई एंजियोप्लास्टी, इससे दोबारा हार्ट अटैक आने का खतरा तो कम होता है लेकिन उनके लिए तनाव से दूर रहना जरूरी है। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन अभी तक भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, उन्हें होश में लाने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन जी की आवाज भी सुनाई जा
जा रही है। पाइप से उन्हें दूध दिया जा रहा। बिग बी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा उनको और कहा कि राजू उठो, अभी बहुत काम करना है। राजू श्रीवास्तव 4 दिन से दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर हैं। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि 15 अगस्त के दिन दिल्ली से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो वहीं कुछ ट्रेनें डाइवर्ट रहेगी। कई सारी ट्रेनों में बड़ा फेरबदल किया और इसीलिए रेलवे की तरफ से आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर आप भी 15 अगस्त के दौरान रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन का नया टाइम टेबल शेड्यूल जरूर चेक कर लें। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा की इन 30 ट्रेनों में एमएसटी से सफर कर पाएंगे। एमएसटी का मतलब होता है दोस्तों मंथली सीजन टिकट, यानी मासिक सीजन टिकट जो होता ना, ये एक तरह के पास की तरह होता है। मतलब अगर आपका डेली ट्रेन में आने जाने का रूट रहता ना, तो आपको डेली ट्रेन में टिकट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप एमएसटी ले लेते हो तो 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने का आपको पास मिल जाता है। फिर 1 महीने तक आपको ट्रेन में टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये आपके टिकट से भी काफी सस्ता पड़ता है। तो ये सुविधा भी रेलवे ने इन रूटों पर शुरू कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षा और काम का हक मांग रही थी तो तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें पीटा, हवाई फायरिंग भी की। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में हाय हाय मचा हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताऊंगा, अभी कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान देश पर ही पूरा तालिबान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वहां की जनता काफी त्राही त्राही में जी रही है। अच्छा, हमारे देश में एक तस्वीर देखने को मिली जहां पानी की लहरों के बीच नदी में लोगों ने तिरंगा फहराया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इस जज्बे को वाकई में प्रणाम। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया, अगर धर्म बदला तो नहीं मिलेगा आरक्षण। लालच में धर्मांतरण पर अब 10 साल की जेल भी होगी। बीजेपी सरकार ने आखिरी सेशन के अंतिम दिन पास कराया ये एक्ट। धर्म परिवर्तन को लेकर हिमाचल प्रदेश में सख्त और कड़ा नया नियम बना दिया। अब अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ने अगर धर्म परिवर्तन किया तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। आरक्षण का लाभ छोड़ने के लिए संबंधित शख्स को एफिडेविट भी देना होगा। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आखिरी सेशन के अंतिम दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच इससे जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। धर्म परिवर्तन के कुछ और नियमों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फाइनली सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। अब लालच में आकर धर्म बदलने पर 10 साल तक की जेल का भी प्रावधान है इस नए संशोधन में, है ना। और वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि जादू की जप्पी जरूरी है। हाल में साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये दावा किया कि एक दूसरे से गले लगने से तनाव कम होता है और यहाँ तक कि महिलाओं पर इसका असर पुरुषों से भी ज्यादा देखा जाता है। और गले लगना आपकी मेमोरी के लिए भी फायदेमंद है। मुश्किल परिस्थितियों में अगर कोई दुखी व्यक्ति आपसे कोई सहायता मांगता है तो सबसे पहले उसको गले लगाएं। गले लगाने से सामने वाले आदमी को और आपको भी तनाव कम महसूस होता है। साइंस की रिसर्च बताती है कि ऐसा महिलाओं के संदर्भ में ज्यादा होता है। ये रिसर्च अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में की गई और रिसर्चर्स के मुताबिक कोर्टिसोल मेमोरी पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए हल मिलकर रहें, मस्त रहें। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में खुला यूपी राज्य का पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। पंजाब से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पंजाब राज्य में सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन बिल को मंजूरी दे दी है, यानी कि 1 विधायक 1 पेंशन इस बिल को मंजूरी दे दी है। अभी तक जो मौजूदा नियम था ना, उसके मुताबिक अगर कोई राज्य में मतलब विधायक 3 बार 4 बार बन गया तो उसको पेंशन भी उतनी बार मिलती थी। तनख्वाह की रकम के हिसाब से जितनी बार वो विधायक रह चुका उतना गुना उसे पेंशन मिलती थी। लेकिन अब पंजाब सरकार ने जो इस कानून में, इस बिल में संशोधन कर दिया ना, इसके मुताबिक कोई व्यक्ति चाहे कितनी बार MLA बन जाए, कितनी बार विधायक बन जाए, उसको एक टर्म की पेंशन ही मिलेगी। एक बार की नौकरी एक बार की विधायक के बराबर ही उसको पेंशन मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री बोले कि इससे जनता का टैक्स बचेगा और इससे 5 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो ये वाकई में मतलब पंजाब सरकार का एक अच्छा फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बासमती चावल को लेकर भी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 10 कीटनाशकों पर पाबंदी लगा दी है। जो चावल की फसल में कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, इन कीटनाशकों के उपयोग पर 60 दिनों के लिए सरकार ने पाबंदी लगा दी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद को देखते हुए DGCA की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं विमानन कंपनियों के लिए। कई बार अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें उड़ते हुए विमान से आकर पक्षी टकरा जाते हैं और उसमें कई विमान के इंजन में आग भी लग जाती है और क्रैश होने की रिस्क भी रहती है। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नया नोटिस सर्कुलर जारी किया गया और कहा कि सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वन्य जीव जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा करें और जीवों से किस तरह से बचाया जाए, विमान को इस दौरान क्या डिफेंस के उपाय रखने हैं, इन चीजों पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज बारिश से नदियां उफान पर चल रही, कई जिलों में बरसात का अलर्ट है। राजस्थान में भारी बारिश देखने को मिल रही है, 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया बारिश को देखते हुए। 6 डैम के गेट भी खोले गए। उदयपुर, कोटा, जोधपुर डिवीजन में 3 इंच तक बरसा पानी। राजस्थान उदयपुर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
10 साल बाद झीलें ओवरफ्लो हो गई यानी कि पूरी भर गई। ये राजस्थान के उदयपुर का कुछ झीलों का ड्रोन व्यू है। फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर सभी झीलें लबालब है। 30 बांध भी भर गए हैं। कोटा बैराज के भी 8 गेट खोले गए, बांध लबालब है। बाजारों में 5-5 फीट तक पानी भर गया। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी धार जिले में कारम बांध टूटने के बाद आपदा प्रबंधन कार्य जारी है। सुरक्षित तरीके से आसपास के गांवों को खाली कराया गया। झारखंड राज्य में मानसून एक बार फिर से हुआ सक्रिय। 16 अगस्त तक झारखंड में तेज बारिश की चेतावनी है। अगले एक सप्ताह तक किसान भाई लोग कर सकेंगे रोपा। कहीं भारी तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कहर के चलते 980 करोड़ की संपत्ति तबाह हुई। 188 लोगों के अब तक इस मानसूनी सीजन में मौत हो चुकी है। 80 सड़कें भी बंद पड़ी है। इसी बीच संपूर्ण भारत का स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, फेस्टिव सीजन पर सोने चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। स्टैंडर्ड सोने की कीमत अभी 54,000 पहुंच चुकी है। चांदी भी 700 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का रेट 60,000 रुपए के लगभग चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,815 कोरोना के नए मामले आए जबकि 68 लोगों की मौत हुई। अभी सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 119,264 एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए। इससे पहले भी राहुल गांधी अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ओमिक्रॉन पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट सबसे ज्यादा सक्रिय है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया और देशवासियों के लिए अलर्ट भी जारी किया। वहीं जैसा कि आपको बताओ, हमारे देश में लंपी वायरस का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब तक के डेटा के मुताबिक देश में अलग अलग राज्यों में लंपी वायरस ने 17,000 गायों की जान ले ली है और इससे हमारे भारत में रोजाना 1,00,000 लीटर दूध का प्रोडक्शन भी घटा है। इस लंपी वायरस में या लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी है, इसमें पशुओं को तेज बुखार आती है, शरीर पर गांठें पड़ती हैं और उसके बाद जानवर धीरे धीरे मर जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इसका टीका भी बना लिया और अब अलग अलग राज्यों में इसके टीके भी बांटे जा रहे हैं। जल्द ही सभी राज्यों में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पंजाब राज्य में भी देखिए, पिछले 24 घंटों में ही 800 पशुओं ने लंपी वायरस से दम तोड़ा और अब पंजाब ने केंद्र सरकार से 3.5 लाख टीका के डोज भी मांगे हैं। और इसी लंपी वायरस को देखते हुए चंडीगढ़ माहौली में पशु मेलों पर भी पाबंदी लगा दी है। 30 दिनों तक कोई भी पशु मेला नहीं आयोजित होगा। लंपी स्किन से बचाव के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आपके भी पशु में, गाय में इस तरह की बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप इन नंबरों पर संपर्क करके सूचित करें। अच्छा, वहीं मंकी पॉक्स पर भी बड़ी खबर आ रही दोस्तों। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज पाया गया। नाइजीरिया से ट्रेवल करके आई एक महिला, 22 साल की अफ्रीकी महिला है जिसकी मंकी पॉक्स से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का यह 5वां मामला है। हमारे देश में अब तक कुल मंकी पॉक्स के 10 मामले हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह आ रही दोस्तों कि जल्द ही हमारे देश में मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी और डायग्नोस्टिक किट भी बनकर तैयार हो जाएगी। आईसीएमआर की इस कोशिश से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। और भारत अगर मंकी पॉक्स की वैक्सीन बना लेता है तो कोरोना के बाद दुनिया को मंकी पॉक्स के खतरे से भी उभारने में भारत की अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला था ना, उस टेंडर में 8 कंपनियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो ये एक राहत की बात है कि जल्द ही ये कंपनियां अपना काम शुरू कर देगी और भारत में मंकी पॉक्स की वैक्सीन हमें देखने मिलेगी। वह देखिए, कोरोना से मुक्त हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हालत गंभीर सुनते ही वहां के देशवासी भी रोने लगे थे। उनकी बहन ने कहा कि दक्षिण कोरिया जिम्मेदार है इसके लिए। किम की प्राइवेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी स्वास्थ्य की जानकारी को भी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक नहीं किया जाता है कि अभी उनके हाल कैसे हैं, कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं, ये जानकारी भी देशवासियों को पता नहीं होती है। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सीयूईटी यूजी चौथे चरण की परीक्षा 11,000 उम्मीदवारों के लिए स्थगित की गई। 30 अगस्त तक के लिए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया। नीट यूजी पर खबर आ रही, इसके आंसर की 14 अगस्त को जारी हो जाएगी। ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। वहीं इग्नू यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से जुलाई सेशन के री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब आप 25 अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा जल्द ही शुरू होगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इसको लेकर कुछ नए सैटेलाइट लॉन्च किए और एलन मस्क का कहना है कि दुनिया भर में घर घर इंटरनेट पहुंचाने के लिए उनकी कंपनी जोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारे भारत देश में इस राज्य में सरकार सितंबर के महीने से ही नव विवाहित जोड़ों को एक एक कंडोम का पैकेट देगी। दरअसल उड़ीसा सरकार की तरफ से यह नई पहल
शुरू की गई है। परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी तरीकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही लोगों को जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूक करने के लिए उड़ीसा सरकार ने फैसला लिया कि नवविवाहित जोड़ों को वेडिंग किट देने का फैसला किया गया। उस वेडिंग किट में कंडोम सहित कई अन्य चीजें भी शामिल होगी। अच्छा भाई देखिए, प्रदूषण घटाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई पहल शुरू की। फैक्ट्रियों में जलेगी पराली। जो पराली इतने दिन किसान भाई लोग अपने खेतों में जलाते थे, उसी पराली को अब खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में जलाया जाएगा, जहां इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी हो सकेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। 15 अगस्त के मामले को देखते हुए ये माहौल बन रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बांदा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हुई। 800 उभाकर फतेहपुर बॉर्डर पहुंचे। 3 की तलाश के लिए फिर चलेगा ऑपरेशन जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार धारा 118 में संशोधन कर रही है और इसके तहत गैर कृषिकों को जमीन खरीदने पर अब सरकार की तरफ से छूट मिलेगी। यानी कि जो लोग खेती नहीं करते हैं, वो अगर जमीन खरीदेंगे तो उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी छूट दी जाएगी। इसको लेकर सरकार कानून में संशोधन भी करने जा रही है। अब ये छूट कितनी मिलेगी, क्या कुछ इसकी गाइडलाइंस आएगी, तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, 15 दिन में देना होगा मूल निवास के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी, नहीं तो अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना, मतलब मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर हम बनाने जाते हैं तो तहसील कार्यालय में हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, कई सारे अधिकारी सुनते नहीं है। लेकिन अब फॉर्म भरने के 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाने होंगे, नहीं तो अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया। 100 रुपए रोजाना पेनल्टी देनी होगी अधिकारियों को 15 दिन के बाद डिले करने पर, है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब आपको कितना रिटर्न मिलेगा देख सकते हैं आप। ये बदलाव 17 महीने से 18 महीने में मैच्योर होने वाली एफडी पर किया गया है। नई रेट्स भी आप देख सकते हैं। एक्सिस बैंक के अलावा भारतीय स्टेट बैंक SBI और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। अब मैच्योरिटी पर आपको कितने प्रतिशत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नियम बदल गया। अब किसानों को 2,000 रुपए के लिए एक और काम करना होगा। दरअसल 12वें किस्त के स्टेटस को जानने के लिए अब आधार नंबर जरूरी नहीं होगा। बिना आधार नंबर के आप अपने मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से पेमेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब किसानों को अपने आधार नंबर के जरिए पेमेंट स्टेटस चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। किसानों के लिए नई सुविधा, नया नियम लागू कर दिया सरकार ने। आपको भी किस्त मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी जानकारी आप इस पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा वही खबर आ रही है दोस्तों कि भारत में अब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चला सकेंगे VLC मीडिया प्लेयर। भारत सरकार की तरफ से कुछ सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए VLC मीडिया प्लेयर पर कई तरीके की पाबंदियां लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनियां संचालित करेगी। जल्द ही योगी कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव भी आ सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बिजली बिल पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि इस राज्य में 1 सितंबर से नहीं आएगा बिजली का बिल। आजादी के जश्न के पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आजादी के जश्न के बीच अपने राज्य के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। भगवंत मान ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के करीब 51 लाख परिवारों को 1 सितंबर से बिजली का बिल नहीं देना होगा, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो 300 यूनिट बिजली माफी की घोषणा की थी, वो योजना शुरू हो चुकी है और इसका फायदा मिलना लोगों को अगस्त सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही, बजाज CT125X एक नया मॉडल लॉन्च करने जा रही कंपनी। इस बाइक में आपको फोन का चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। इसका लुक वगैरह कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। वहीं मारुति स्विफ्ट का SCNG वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। इसका माइलेज मिलेगा आपको 30.90 किलोमीटर प्रति किलो और इसकी कीमत 7,77,000 रुपए से शुरू है। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो क्लासिक SUV भी लॉन्च हो चुकी है। इसके बंपर और बोनट पर लुक्स और डिजाइन में कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं, 20 अगस्त को कंपनी इसकी प्राइस को रिवील करेगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कंप्यूटर में लगने वाले उस डिवाइस का नाम बताइए जिसमें आपके डेटा सेव होते हैं, यानी जो मेमोरी कार्ड की तरह काम करती है, वो डिवाइस कौन सी है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी रैम। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।